नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज हम सीखेंगे एक कॉर्ड चार्ट कैसे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉर्ड चार्ट पढ़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। सभी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को ये ज़रूर आना चाहिए। इसके कई सारे फायदे होते हैं, उनमें से एक ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गाने हैं याद करने को और बहुत कम टाइम है, तो अगर आप कॉर्ड चार्ट्स पढ़ सकते हैं तो आप फटाफट उन गानों को परफॉर्म कर सकते हैं, उन गानों को सीख सकते हैं, उन गानों को अपने पूरे बैंड के साथ में बजा सकते हैं। तो कॉर्ड चार्ट्स आपको म्यूजिकल डायरेक्टर दे सकता है, कॉर्ड चार्ट्स आपको बैंड का लीडर दे सकता है। अगर आप किसी स्टूडियो सेशन में जाते हैं किसी गाने को बजाने के लिए जो आपने नहीं सुना हुआ है, तो आपको जो सॉन्ग राइटर है जिसने भी वो गाना कंपोज किया है वो दे सकता है। कभी कभी आपको चार्ट्स खुद भी बनाने पड़ सकते हैं किसी गाने के, लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ रीडिंग पर कि कॉर्ड चार्ट रीड कैसे किए जाते हैं। आज जो हम गाना लेने जा रहे हैं उसका नाम है एक कुड़ी, फ्रॉम द मूवी उड़ता पंजाब। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स देता हूँ चार्ट के बारे में कि चार्ट में कौन से सिंबल का क्या मतलब है, उनको समझते हैं और उसके बाद में गाने के साथ में चार्ट पढ़ते हुए आराम से बेस बजाएंगे। तो अब हम चार्ट पर आ गए हैं। तो चार्ट में बेसिकली कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, सिंबल्स बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं वगैरह वगैरह। ऊपर से शुरू करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है इंट्रो। शुरू में कुछ एक गिटार का ओपनिंग पीस है, उसके लिए मैंने इंट्रो लिख दिया है। तो ये 5 बार्स का पीस है, 1 2 3 4 5, ठीक। 4 बीट से 1 बार बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ पे बार ख़त्म होता है वहाँ पे एक सिंगल लाइन है। ये बार ख़त्म हुआ तो यहाँ पे सिंगल लाइन है, ये बार ख़त्म हुआ तो यहाँ पे सिंगल लाइन है, ठीक। यहाँ पे एक बार के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं, यानी कि 2 बीट्स ईच। और यहाँ पे अगेन एक ही कॉर्ड है एक बार में, फिर दोबारा एक ही कॉर्ड है एक बार में। यहाँ पे आप नोटिस करें तो डबल बार लाइन है, यहाँ पे नोटिस करें तो भी डबल बार लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेक्शन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 बार्स जो हैं हमारे, ये एक सेक्शन है, सिर्फ इंट्रो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म, ठीक। फिर ये वाला सिंबल, इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं बॉलीवुड चार्ट राइटिंग में साइन, ठीक। साइन मतलब सिग्नेचर ऑफ द सॉन्ग, या इसको हम मुखड़ा भी कहते हैं। हमारे गाने का नाम क्या है, एक कुड़ी। तो ये एक कुड़ी जेदा नाम मोहब्बत गुम है करके जो पूरा हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं गाने का साइन। तो यहाँ पे डबल बार लाइन है, यहाँ पे डबल बार लाइन है, यानी कि ये पूरा एक सेक्शन है, ठीक। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके हम काउंट करते चलेंगे, जब गाना बजाएंगे तो साथ में हमें और क्लियर हो जाएगा। फिर अगला सेक्शन आता है जिसको मैंने लिखा है M1। तो बॉलीवुड म्यूज़िक में जो जिसको हम इंटरलूड कहते हैं या म्यूज़िक कहते हैं, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, M1 लिख के। M1 यानी म्यूज़िक 1। अगर इसके बाद में दोबारा म्यूज़िक आएगा तो उसको M2 कह देते हैं, उसके बाद में दोबारा भी आ गया तो M3 कह देते हैं, ठीक। तो बॉलीवुड की अपनी एक लैंग्वेज है चार्ट्स लिखने के लिए। इंटरनेशनली अगर आप कहेंगे किसी के म्यूज़िक पार्ट को बीच में अगर आता है गाने के, उसको हम इंटरलूड कहते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बॉलीवुड गाना कर रहे हैं तो बॉलीवुड टर्म्स पे ही फोकस करते हैं। M1, ठीक। तो M1 कितने बार्स का है, 1 2 3 4, 4 बार्स का है। अगेन देखिए आप, यहाँ पे डबल बार लाइन है, यहाँ पे डबल बार लाइन, यानी कि ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर आता है हमारा अंतरा। अब अंतरे में अगेन 1 2 3 4, 4 बार्स हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये शुरू में एक ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना हुआ है और 2 डॉट्स के साइन लगे हुए हैं, है ना, ये डॉट्स बने हुए हैं 2। इनको हम कहते हैं रिपीट साइन, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे बजाते हुए और फिर यहीं से जंप करके वापस इधर से बजाना शुरू करेंगे, ठीक। तो ये हमारे रिपीट साइन, यहाँ से बेसिकली जंप करके वापस और दोबारा बजाना है, ठीक। सिर्फ एक बार रिपीट होता है। अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट होगा तो हम यहाँ पे जनरली लिख देते हैं into 5 into 4 into 6, जैसे भी जितनी भी बार रिपीट होता है। अभी हमारा कितना बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही बार। अब नेक्स्ट है ये वाला बार, ठीक है। इसके ऊपर मैंने हिट्स लिख दिया है क्योंकि गाने में यहाँ पे हिट्स बज रही हैं। हिट्स को हम अभी लिखना नहीं सीखेंगे क्योंकि वो रिदम एक नोटेशन एक अलग टॉपिक है अपने आप में, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए कि यहाँ पे हिट्स आने वाली हैं, उन हिट्स को हम याद करके इन कॉर्ड्स को पढ़ के बजा सकते हैं। अब ये एक कॉर्ड है जो थोड़ी सी देखने में अटपटी है, B♭/A♭, या फिर इसको B♭/A♭ भी कहते हैं। B♭ बजेगी राइट हैंड में और A♭ बजेगा लेफ्ट हैंड में, अगर हम पियानो के बारे में सोच रहे हैं।
तो ए फ्लैट बेसिकली इसमें बज रहा है एज अ बेस नोट। ये कॉर्ड को एक अलग डिफरेंट कलर देता है। मैं अभी आपको पियानो पे ले चलता हूँ इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। स्लैश कॉर्ड का सिस्टम ये होता है कि आप राइट हैंड में कुछ और कॉर्ड बजाएंगे और बेस नोट आप कुछ और बजाएंगे। यानी कि अगर मैं राइट हैंड में बी फ्लैट बजा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बेस नोट बी फ्लैट बजाता हूँ, ये हमारी नॉर्मल कॉर्ड हो गई। लेकिन अगर मैं राइट हैंड में बी फ्लैट बजाता हूँ और लेफ्ट हैंड में बेस नोट ए फ्लैट बजाता हूँ, तो ये हो गई हमारी स्लैश कॉर्ड, ठीक है। और यही कॉर्ड हमने वहाँ पे देखा है, इनका साउंड में फर्क काफी ज्यादा है, ठीक है। ये हमारी बी फ्लैट नॉर्मल और ये बी फ्लैट ओवर ए फ्लैट या फिर बी फ्लैट स्लैश ए फ्लैट, ठीक। तो वहां पे कॉर्ड लिखी हुई है 3 4 तो जब ये कॉर्ड आएगी तो बाकी का बैंड बी फ्लैट बजाएगा और आप बजाएंगे ए फ्लैट, ठीक। स्लैश कॉर्ड इसको बोलते हैं हम। उसके बाद में ये एक बार में चार कॉर्ड्स हैं, ठीक। अब ये हिट्स हमें याद रखनी है कि हिट्स की रिदम क्या है। अब अगला सिंबल आप नोटिस करें तो है कि यहाँ पे खाली रखा हुआ है बार, यहाँ पे खाली रखा हुआ है और यहाँ पे डबल लाइन स्लैश, तो दो डॉट्स बने हुए हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो दो बार्स हैं, ये बार नंबर वन बार नंबर टू, यही दो बार्स यहाँ पे रिपीट होंगे, ठीक। इसी चीज़ को हम दोबारा यहाँ पे बजाएंगे, ठीक है। फिर हम अगले बार पे चलते हैं, ए फ्लैट ई फ्लैट, नेक्स्ट बार बी फ्लैट, और इसके बाद में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एक सिंगल स्लैश वाला रिपीट साइन है, ठीक है। सिंगल स्लैश वाला रिपीट साइन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो पहले बार था इसका, इसके पहले वाले बार में जो भी कॉर्ड है वही यहाँ पे बजेगी। यानी कि यहाँ पे भी बी फ्लैट और यहाँ पे भी बी फ्लैट। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है टू साइन। साइन क्या था हमारा? ये, यानी कि पूरा ये बजाने के बाद में हम यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ पर जाएंगे, ठीक, और ये पूरा बजाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे गाना ख़त्म हो रहा है, ठीक है। चलिए गाना बजाते हैं अब, और शुरू के सेक्शन को मैं आपको काउंट करके सुनाऊंगा और इस कॉर्ड से हम बेस के साथ में बजाना शुरू करेंगे। करना सिर्फ इतना है, इन नोट्स को, इन कॉर्ड्स के बेस नोट्स को बेस पे बजाना है और उसको ड्रम्स के साथ में लॉक करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब आएगा साइन वन, एक कुड़ी बी फ्लैट, जिदा नाम मोहब्बत गुम है, ए फ्लैट गुम बी फ्लैट गुम है, ओ साध मुरादी सोनी मोहब्बत वन, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ओ मंत्रा, सूरत उस दी परियां वर्गी, फ्लैट, सीरत मर के अग दी पर नड़ा दी कल समझ दी। अब साइन पे वापस जाएंगे। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत ए फ्लैट गुम ए फ्लैट गुम ए फ्लैट
गुम है हो साध मुरादी सोनी भपत इस स्कॉर्ड चार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और गाने का लिंक भी डाल दिया है। इस गाने को स्कॉर्ड चार्ट के साथ में प्रैक्टिस करें। मैंने थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा नोट्स इधर उधर डाले थे जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर ब्यूटीफुल, मगर अभी आप बिल्कुल स्ट्रेट बजा सकते हैं, जो कॉर्ड लिखी है उसी नोट को बजा सकते हैं। और शुरू में हर चीज़ की तरह इसमें चैलेंजेस आएंगे, शुरू में आप अटकेंगे, हो सकता है आप पढ़ें कुछ और बजाएं कुछ और, वो नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ था, सभी के साथ होता है। लेकिन जितना आप करते जाएंगे उतना ये ईजी होता जाएगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।